5 अगस्त 2020 को अयोध्या में प्रस्तावित भूमि पूजन की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा निरंतर सतर्कता रखते हुए जनपद के सभी बॉर्डर पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर निगरानी रखी जा रही है। क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रेम कुमार थापा के नेतृत्व में थाना हरैया पुलिस द्वारा भारत नेपाल सीमा पर संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाकर बॉर्डर एरिया को चेक किया गया। इसी क्रम में बॉर्डर सुरक्षा में लगी महिला पुलिस कर्मियों द्वारा भारत नेपाल सीमा की हंगड़ा नाका चौकी पर तैनात SSB के जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी गयी। फतेहपुर खागा पश्चिमी बाई में एक बाइक सवार को पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और फरार हो गया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक में पीछे बैठी मृतक की पत्नी और छोटी बच्ची छिटक के दूर जा गिरी, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास खड़े लोगों ने जब घटना को देखा तो दौड़ के पास आए और पुलिस को सूचना दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक दीपक गुप्ता अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर अपने ससुराल संवंत मऊ राखी बंधवाने के लिए आया था, जो राखी बंधवाकर वापस अपने घर सैनी कोशाम्बी जा रहा था, तभी खागा पश्चिमी बाईपास में ये घटना हो गई। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी मंदिर में आरती भी की। बेलदौर और राजा सोनवर्षा के बॉर्डर पर स्थित परिया पंचायत का दौरा जन अधिकार पार्टी के छात्र युवा जिला उपाध्यक्ष आजाद यादव ने किया। उन्होंने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए बोला, पहले वर्षा, फिर कोरोना और अब बाढ़ की मार झेल रहे परिया पंचायत के लोगों को प्रशासन बैकफुट पर छोड़ दिया है। खासकर फतेहपुर में संजय यादव और उमेश यादव के घर सहित दर्जनों ग्रामीणों के घर में बाढ़ का पानी घुस गया है, लेकिन प्रशासन झांकने तक नहीं आया। उन्होंने अविलंब स्थानीय प्रशासन से राहत सामग्री पहुंचाने की मांग की, नहीं तो जन अधिकार पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। अभी हम आप देख सकते हैं कि प्रड़िया पंचायत में फतेहपुर गांव पहुंचे हैं, जहां पर कि दर्जनों घर में पानी घुस गया है। लोगों के पास किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, सरकार भी नहीं दे पा रही है, कोई राहत सामग्री नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं कि दर्जनों घर में पानी घुस गया है। ये हम अभी संजय यादव उमेश यादव के दरवाजे पे हैं, जहाँ शिव मंदिर है, शिव मंदिर के बगल में यहाँ आए थे मिलने के लिए लोगों से, कि लोगों हाल चाल जानने के लिए कि क्या स्थिति है, क्या परेशानियाँ हैं। मैंने देखा कि लोग बहुत बड़ी परेशानी है, बाढ़ है, बाढ़ की स्थिति में लोग आ चुके हैं, न खाने की मवेशियों की व्यवस्था की गई है, किसी भी तरह से सरकार कोई व्यवस्था नहीं। देख सकते आप यहाँ अनाज जो है लोग सड़क पर रखा हुआ है, क्या करेगा, घर में पानी घुसा हुआ है। बेलदौर थाना अध्यक्ष शिव कुमार ने अलग अलग मामले में गिरफ्तार दोनों व्यक्ति को दोनों न्यायिक हिरासत में खगड़िया भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक अशोक साहा के पुत्र अरुण कुमार दारू पीकर बाजार पर हो हल्ला कर रहे थे, इसकी सूचना किसी ने बेलदौर पुलिस को दी। बेलदौर थाने के SI महानंद सिंह ने त्वरित कार्यवाही करते हुए नशे में धुत अरुण कुमार को गिरफ्तार कर बेलदौर थाना लाए, जहां कानूनी प्रक्रिया करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं दूसरे आरोपी नारदपुर निवासी झक्कत सिंह उर्फ खल्लू का पुत्र रवीन महतो को पत्नी को जहर खिलाकर मार देने के आरोप में गिरफ्तार कर खगड़िया जेल भेज दिया गया है। मृतक प्रियंका देवी की माँ सहशोल निवासी संजू देवी ने शनिवार को बेलदौर थाना अध्यक्ष को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। कहाँ कहाँ आपका क्या नाम हुआ? अरुण। घर कहाँ हुआ? बेलदौर। क्या दर्द के क्या कर रहे थे? हो वाला नहीं क्या ऐसे सर आया चेकिंग की जा रहा है, लड़की मर गई, पता नहीं अब जहर खा के जो मरी थी। अच्छा, क्या नाम आपका? रविंद्र। घर? नारदपुर। यूपी के कौशाम्बी जिला जेल में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। जेल में बंद भाइयों की कलाइयों में बहनों द्वारा राखियां भेजी गईं। जिन भाइयों को बहनों द्वारा राखियां नहीं भेजी गईं, उन्हें जेलर BS मुकुंद और जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराकर राखियां बांधी गईं। जेलर BS मुकुंद ने बताया कि DG जेल द्वारा आदेश मिलने के बाद जेल में बंद बंदियों को उनकी बहनों द्वारा लिफाफे में बंद कर भेजी गई, उन्हें आज सभी को वितरित कर दिया गया है और जिनकी राखियां नहीं आई हैं उन बंदियों को जेल प्रशासन द्वारा राखी उपलब्ध कराई गई हैं, उन्हें राखियां बंधवाई गई हैं। राखी के त्यौहार को DG जेल साहब के निर्देश पर बहनों द्वारा जो राखियां लिफाफे में भेजी गई थी, आज उनका वितरण जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को किया गया है। जिन बंदियों की बहनों ने राखियां नहीं भेज सकी हैं, उनको जेल प्रशासन की तरफ से
निःशुल्क राशि उपलब्ध कराकर कलाई पर बंधवा दीजिए। धन्यवाद। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी संयुक्त व्यापार मंडल और मदर टेरेसा फाउंडेशन की ओर से रक्षाबंधन पर पेड़ों पर राखी बांधकर पेड़ों की रक्षा और संरक्षण की शपथ ली गई। संयुक्त व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष से अस्करी की अगुवाई में फूलों से पेड़ों को सजाकर पेड़ पर सूती धागों में बंधी रेशमी कपड़े और सुनहरे गोटों वाली राखी बांधने के साथ पर्यावरण रक्षा का संकल्प लेते हुए पेड़ पर मास्क लगाकर कोरोना महामारी पर भी प्रहार किया गया। संयुक्त व्यापार मंडल और मदर टेरेसा फाउंडेशन के मोहम्मद गुफरान खान, गौरव मिश्रा आदि पदाधिकारियों ने कदम के पेड़ को गेंदे और गुलाब के फूलों से सजाकर रक्षाबंधन के पर्व को अनूठे अंदाज में मनाया। ये आप लोग आज यहाँ पार्क में इकट्ठा हुए हैं तो ये क्या कार्यक्रम है? जी पवित्र रक्षाबंधन के पहले से सबको ढेर सारी बधाई हो। जो संगम की संस्कृति है, हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए आज कदम के वृक्ष को भी हम लोग राखी बांधे और कोरोना वायरस के संकट जिस हिसाब से काफी रफ्तार से बढ़ रहा है इसको रोकने के लिए वृक्ष को ही हम लोग मास्क लगाए। हम लोगों से यही विनती करेंगे कि आप अपनी सुरक्षा रखिए और सबको ही एक तरह से जागरूकता करिए और ये जो संगम की संस्कृति है हर धर्म के लोग एक साथ, यही हमारा प्रयागराज है। सब फाउंडेशन और संयुक्त व्यापार मंडल के तरफ से रक्षाबंधन के पर्व त्यौहार पर पेड़ पर राखी बांध के पर्यावरण को बचाने और पेड़ पौधे को लगाने और बचाने का काम किया है। इस मौके पर हम लोगों ने पेड़ को जो है गेंदे के फूल से सजाया और हम लोगों ने यहाँ पे हरा भरा पूरी तरीके से ऐसा हम लोगों ने माहौल बनाया जिससे लगे कि पर्यावरण हम लोग को बचाना है, प्रदूषण हम लोग को बचाना है। मैं मोहम्मद गुफरान खान, मदर टेरेसा फाउंडेशन महानगर महासचिव व समाज सेवी। बेलदौर में भाई बहन के पवित्र रिश्ता रक्षाबंधन के पर्व पर उत्सव पर सभी बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधी और आशीर्वाद लिया। भाई बहन के असीम प्रेम और स्नेह को समर्पित रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हमारे खगड़िया संवाददाता सुमलेश कुमार यादव ने सभी को दी हैं। बोले, प्रभु श्री राम आपको सदा स्वस्थ रखे और इस वर्तमान महामारी से लड़ने की शक्ति दे। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। बोलिए आदमी, मैं सुमलेश कुमार यादव, खगड़िया संवाददाता। मैं भाई बहन के पवित्र रिश्ता रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी जिलेवासी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। भाई बहन का पवित्र रिश्ता को इस पर्व से जोड़कर देखा जाता है। ये पर्व भाई बहन के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। हम इस पर्व के शुभ अवसर पर सभी भाई बहन एवं हम अपने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं इस चैनल से खगड़िया जिला से रिपोर्टर सुमलेश कुमार यादव। प्रयागराज के तहसील फूलपुर में जनहित मीडिया वेलफेयर सोसाइटी की बैठक फूलपुर इस्माइलगंज कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जावेद आलम ने की। बैठक में पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न और उनके सुरक्षा पर चर्चा की गई और पत्रकारों का आई कार्ड और पत्रकार डायरी पर भी चर्चा की गई। बैठक में पत्रकारों के भविष्य के सुरक्षा के लिए पत्रकारों के बीमा के लिए भी बात की गई। बैठक में सभी पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे और देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार साथियों की उत्पीड़न जैसी लड़ाई लड़ने के लिए सभी पत्रकार साथी साथ हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जावेद आलम, उत्तर प्रदेश सचिव राजीव मंडल, अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार द्विवेदी, जिला अध्यक्ष श्याम गोपाल केसरी, अर्जुन कुमार वर्मा, जिला प्रभारी रविंद्र कुमार, उप सचिव कुमारी अनुराधा, महामंत्री उपाध्यक्ष तालेब अंसारी, कोषाध्यक्ष विकास कुमार पटेल, तहसील अध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा, कोशाम्बी जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार कुशवाहा, भदोही जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार पांडे, कोशाम्बी उपाध्यक्ष कमलेश चंद्र शर्मा, रिजवान अली सहित कई दर्जन पत्रकार उपस्थित रहे। भाई ताली तो बजा दीजिए। रविंद्र कुमार अर्जुन कुमार
Thank you.